सलाम वालेकुम सलाम भाई। यार ये आड़ू किस तरह है? आड़ू भाई 200 रुपए किलो है। एक आड़ू दे देना यार। ये लो भाई। अरे भाई एक मिनट मेरी बात सुनना। हाँ जी क्या हुआ? कुछ नहीं भाई, अगर आप बुरा ना मनाए तो एक बात तो बताएं, करते क्या हैं आप? तूने क्या करना है? मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता? अरे भाई कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछ दिया था आपसे। ठीक है आप जाएं। अजीब बंदा यार, इसलिए मैंने सीधी बात की। मुझे लगता है इसमें बैठ बैठ कर दिमाग खराब होता है। अच्छे भले पैसे छाप तो होगा ये, इसीलिए ऐसी बातें कर रहा था। खैर हाँ भाई, आड़ू कैसे दिए हैं? सर ये आड़ू 300 रुपए किलो हैं। अच्छा तो ये चलो यार एक आड़ू तो दे दो। ये लो भाई। भाई एक बात तो बताएं प्लीज। हाँ पूछो भाई। यार मुझे तो आप अच्छे खासे कमाने में लगते हो, ये तो बता दो सैलरी कितनी है आपकी? तुझे मेरी तनख्वाह से क्या मतलब है? एक तो मुझे घर वालों ने परेशान करके रखा हुआ है, दूसरा मुझे ऑफिस वालों ने परेशान करके रखा हुआ है। तेरी औकात से बहुत ऊपर है मेरी सैलरी, तू अपनी औकात में रह। अरे भाई गुस्सा क्यों कर रहे हो यार, ऐसे गलती से पूछ लिया था आपसे, नहीं बताते तो ठीक है कोई बात नहीं। यार मुझे तो इन एसी वालों से पूछनी नहीं चाहिए, इनका तो दिमाग ही खराब होता है। मुझे लगता है इनको अपने पैसों पे घमंड है। अच्छा भला कमाते होंगे ना ये। हाँ छोटे फिर माशाल्लाह तूने बड़ा प्यारा लगा दिया है, घड़ी आज बड़ी प्यारी लग रही है। चल अभी काम स्टार्ट करते हैं। और सुनाए जोर भाई, यार फिट काम ठीक चल रहा है आपका? आज फिट है, आज ओके। मेरा भी बहुत जबरदस्त काम चल रहा है। आज का दिन ठीक जा रहा है? हाँ यार फ्रूट शूट लेते हैं। हाँ यार इससे पूछो ना। हाँ यार बताओ आड़ू किस तरह है? 300 रुपए किलो है भाई। अच्छा 300 रुपए किलो। हाँ यार मैं उस दिन आया था, तुम मुझसे कुछ पूछ रहे थे सैलरी के बारे में, बताओ क्या पूछ रहे थे? कुछ नहीं भाई, बस आपकी तनख्वाह के बारे में पूछ लिया था, आप तो गुस्सा कर रहे थे आगे से। हाँ यार सेम मैं आया उस दिन, मुझसे भी यही पूछ रहा था सैलरी के बारे में पूछ रहा था। हाँ यार पूछो, उस दिन मेरा मूड थोड़ा खराब था, आज मैं थोड़ा फ्रेश हूँ, दिमाग ठीक है मेरा। क्यों पूछ रहे थे तुम तनख्वाह का? अच्छा भाई तो ये बता देना आपकी सैलरी कितनी है। हाँ यार बता देता हूँ, मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ मैं वहाँ पे ना महीने की 60,000 रुपया तनख्वाह लेता हूँ। बस सिर्फ 60,000 कमाते हैं आप? वो देखो यार ये कैसे 50-60 हजार को ऐसे मजाक में ले रहा है, कभी तूने देखा है 60,000 रुपये नकदी कैश? देखा यहाँ पे खड़ा होकर दिन भर जलील होता है और हमें कह रहा है बस। ओ भाई ये जिस कारोबार का मजाक उड़ा रहे हो ना, ये कारोबार अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अपना है। मैं इस कारोबार से ना दिन में 10,000 बचाता हूँ महीने का। आप दोनों हिसाब लगाए, लोग पढ़े लिखे तो लग रहे हो मुझे। आप तो ऐसे प्राइम मिनिस्टर बन रहे थे, मैंने सोचा 5-6 लाख कमाते हो गए, ये 60,000 कमा के ये तड़ियां दिखाते हो लोगों को। यार हमें छोड़ो तुम, हम अकड़े हैं या जो भी करें हम रोएं। तू बता तू तनख्वाह का क्यों पूछ रहा था? वो मैंने आपसे इसलिए पूछा था, ये छोटा है ये माशाल्लाह भी पढ़ रहा है, मैंने सोचा था इसको पढ़ा लिखा के आपकी तरह कोई बड़ा ऑफिसर बना दूंगा। और अभी मुझे आप लोगों के हालात देख के ये लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं हो, इसलिए अभी मैं सोचता हूँ कि इसको अपनी तरह कोई करवा सेट करके दे दूँ, ये भी मेरी तरह पैसे कमाएगा। यार ये तो बहुत ज़्यादा छाप है हमसे, मैंने तो इसको बिल्कुल लाइट दिया था, मैं समझता था कि मजदूर है बेचारा। मैं तो सोच रहा हूँ इसी के पास मुलाजमत कर लेते हैं, पैसे तो ज़्यादा बनेंगे। मैं तो ये कह रहा हूँ छोड़ो वो काम करने को, आ जाओ मेरे साथ, मैं आप दोनों को मुलाजमत रख लूँ अपने साथ।